और ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, जहां साक्षी महाराज ने निजी इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज करवाई है, तो इस वक्त की बड़ी खबर, उधार लिए 2 करोड़ वापस ना देने का आरोप लगाया है और इसी को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। 3 करोड़ वापस किए मगर 2 करोड़ और ब्याज वापस नहीं किए, इसी को लेकर के अब ये शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। शिक्षा संस्थान खोलने के नाम पर दिए थे उधार पैसे, नॉलेज पार्क थाने में एफआईआर दरअसल दर्ज करवाई गई है। तो देखिए इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उधार लिए 2 करोड़ वापस ना देने का आरोप लगाया गया है। तो साक्षी महाराज ने निजी इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज करवाई है। तो ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है, नॉलेज पार्क थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है, साक्षी महाराज ने एफआईआर दर्ज करवाई है। तो इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष पर यह एफआईआर दर्ज करवाई गई है, निजी इंस्टीट्यूट बताया जा रहा है और निजी इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष पर ही ये एफआईआर दर्ज करवाई गई है। पूरा आरोप बता दें, उधार के लिए 2 करोड़ वापस नहीं देने का आरोप लगाया गया है। बताया गया कि उधार लिए 2 करोड़ रुपए वापस नहीं देने का आरोप इसमें लगाया गया है।